आप जानते ही हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री इस वक्त काफी खुशहाल घड़ी का सामना कर रहा है, क्योंकि बॉलीवुड की 1990s की टॉप हीरोइन प्रीति जिंटा बन गई है मॉम। और प्रीति जिंटा एक नहीं दो दो बच्चों की मां बनी है। हाँ, सच है कि 46 की उम्र में सरोगेसी का माध्यम प्रीति जिंटा को चुनना पड़ा। सरोगेसी के माध्यम से ही वो अपनी जिंदगी में बच्चों के बिना जो अधूरापन था, शादी के इन 4 सालों में जो एक कमी थी, उसे पूरा कर पाई। देखा जाए तो साल 2016 में मार्च के महीने में प्रीति जिंटा ने जिस तरह से रचाई थी, प्रीति जिंटा ने जीन गुडेनफ के साथ शादी, एक फॉरेनर से शादी करने के बाद अमेरिका में ही जाकर शिफ्ट होने का फैसला प्रीति जिंटा की अपनी मर्जी थी। लेकिन शादी के 1 साल गुजरे, 2 साल गुजरा, 3रा साल गुजरा और 4था और फिर 5वां जब गुजरने लगा, लोगों की निराशा काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी। प्रीति और जीन को एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग कि फैमिली प्लान करेंगे, लेकिन कोई भी जानकारी प्रीति ने नहीं दी। अफवाहों का प्रीति जिंटा ने सामना जरूर किया था। ऐसे में प्रीति जिंटा ने कभी बेबी बम को लेकर अफवाहों का सामना किया, कभी प्रेगनेंसी की अफवाहों का सामना किया। तमाम लोगों के साथ नाम जुड़ने के बाद जीन गुडेनफ की पत्नी बनने वाली प्रीति ने फाइनली अपनी शादी के 5 साल पूरा होने के बीच लिया फैसला कि वो क्यों ना 2 से 4 हो जाए, हम दो और हमारे दो। बिल्कुल सही है ये बात। प्रीति जिंटा ने अपने दोनों ही बच्चों से लोगों को रूबरू कराया, इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर की, पोस्ट शेयर की और संदेश में उन्होंने लिखा वो बहुत खुश है सरोगेसी का हिस्सा बनकर, सरोगेट मॉम की फैमिली में अपना नाम जोड़कर, क्योंकि 40 की उम्र में प्रेगनेंसी कंसीव करना बहुत ही ज़्यादा खतरे को पूरी तरह से जगह देने के बराबर है। ऐसे में खतरे का स्वागत करने के बजाय प्रीति ने समझदारी से काम लिया, सरोगेट मदर बनने का उन्होंने फैसला नहीं लिया बल्कि सरोगेसी से मॉम बनने का फैसला लिया। तो सरोगेसी के माध्यम से, सरोगेट मदर की हेल्प से प्रीति जिंटा बन गई है माँ दो दो प्यारे प्यारे बच्चों की। बेटी का नाम जे और बेटी का नाम जिया रखा है प्रीति ने। तो ऐसे में बच्चों का स्वागत कितने ग्रैंड तरीके से प्रीति ने किया, इसकी खुशी तो उन्होंने सोशल मीडिया पर जाहिर की है। डॉक्टरों की टीम, नर्स और हॉस्पिटल के स्टाफ मेंबर्स के साथ सरोगेट मदर की फोटो शेयर कर प्रीति ने अपनी खुशी जाहिर की। आज उस प्रीति जिंटा के पास किसी चीज़ की कमी नहीं। कभी फाइनेंशियल क्राइसिस का भी सामना करने वाली प्रीति ने आज करोड़ों नहीं बल्कि अरबों की संपत्ति अपने बच्चों के लिए इकट्ठा कर रखी है। इसी बारे में हम बात करने वाले हैं इस शो बॉलीवुड लाइफस्टाइल में। तो स्वागत है आप सभी का दर्शकों हमारे चैनल में। मैं आप सभी की होस्ट तृप्ति आपको बताने जा रही हूँ प्रीति जिंटा की जो संपत्ति है वो कितने बड़े तादाद में है, इसी बारे में हम बात करने वाले हैं प्रीति जिंटा की संपत्ति के बारे में। तो इंतजार किस बात का, आइए जानते हैं कितनी संपत्ति उन्होंने इकट्ठा की अपने हस्बैंड जीन गुडेनफ के साथ मिलकर, जो उनके बच्चे यानी कि जे और साथ में जोया जिया गुडेनफ के नाम होंगे। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। इस बारे में आपको जानकर हैरानी हो सकती है, लेकिन सच है ये बात कि प्रीति जिंटा के पास जो संपत्ति है बेमिसाल है। जी हाँ, प्रीति जिंटा के पास बेमिसाल संपत्ति है और उन संपत्ति के बारे में हम आप सभी के बीच एक बार फिर से जिक्र करना चाहेंगे। करोड़ों करोड़ों की संपत्ति जो प्रीति जिंटा के पास है, इस बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में ये बताना चाहेंगे कि फिल्में और ब्रांड इंडोर्स करने के अलावा अपने कंपनी से प्रीति जिंटा ने बहुत बेहतरीन संपत्ति इकट्ठा कर ली है और इस बारे में हर जगह पर चर्चा है। जी हाँ, इस बारे में हर जगह चर्चा है। तो चलिए हम आपको हमारे इस रिपोर्ट में इस बारे में बता ही दें जानकारी क्या है, कितनी बड़ी संपत्ति प्रीति जिंटा के पास इस वक्त है जिसकी हर जगह चर्चा होती है, और उनके बच्चों के जन्म के बाद ख़ास तौर पर उन संपत्ति को उनके बच्चे के लिए वो सेव करके इतने समय से कमा कर रखी है, इसकी बात क्यों होती है। दरअसल हस्बैंड के साथ सरोगेसी से बच्चों के जन्म के बाद उनका ग्रैंड वेलकम प्रीति जिंटा ने किया है, और सब जानते हैं कि प्रीति जिंटा ने अपने बच्चों का स्वागत अपने आलीशान घर में
यहाँ नहीं बल्कि आउट ऑफ इंडिया किया है। दोनों ही न्यू मेंबर्स के स्वागत के लिए प्रीति जिंटा ने बहुत ही ज़्यादा खुशी जाहिर की है। IPL 2022 से पहले पंजाब किंग्स इलेवन पंजाब के लिए प्रीति जिंटा जो है पूरी तरह से तैयार होकर खुशी जाहिर करती नजर आई। लोगों ने कई तरह की वीडियोज शेयर की है। फिल्म कल हो ना हो किस समय से राज कर रही बॉलीवुड की एक्ट्रेस ने खुशी तो जाहिर की है। साल 1998 में दिल से बॉलीवुड में डेब्यू किया प्रीति जिंटा ने। सोल्जर फिल्म उनकी सुपर डुपर हिट रही। 40 की हो चुकी प्रीति जिंटा के पास आज बॉलीवुड की सुपर हिट फिल्म में कल हो ना हो, वीर जारा, कोई मिल गया, दिल है तुम्हारा, कभी अलविदा ना कहना, दिल से सलाम नमस्ते जैसे फिल्मों के जरिए 200 करोड़ से भी ज़्यादा की संपत्ति है। दोस्तों जी हाँ, 200 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति की मालकिन प्रीति जिंटा बन चुकी है। हस्बैंड जीन गुडेनफ के साथ मिलकर अपनी उनकी नेटवर्थ है 110 करोड़ रुपया। मंथली इनकम वो 1 करोड़ से भी ज़्यादा कमाती हैं और एक साल में 12 करोड़ प्लस कमा लेती हैं प्रीति जिंटा। गोल्डन हार्ट जो कि करेंटली रन कर रही है लोगों के दिलों पर, उनकी नेटवर्थ $15 मिलियन प्लस है। अमेरिका में रहने की वजह से बिलियनर बन चुकी हैं वो। बताया जाता है कि 183 करोड़ के आसपास की संपत्ति है प्रीति जिंटा के पास इस वक्त। जी हाँ, और ये सब जानते ही हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि इंडस्ट्री के पास पैसे की कमी नहीं। और IPL टीम के ऑनर्स में से वेल्दीएस्ट प्रीति जिंटा को माना जाता है, जिसके कारण उनके पास इतनी बड़ी संपत्ति का जिक्र हमेशा रहा है। जी हाँ, IPL टीम की वो ऑनर है। बात की जाए अगर रिपोर्ट्स की तो बताया जाता है किंग्स इलेवन पंजाब क्रिकेट टीम की लिस्ट वेल्दी ऑनर्स में प्रीति जिंटा को माना गया है टॉप पर। 8 ऑनर्स में प्रीति जिंटा को भी रखा गया है और इसमें बताया जाता है कि 183 करोड़ की संपत्ति प्रीति जिंटा के पास है। सबसे ज़्यादा अंबानी फैमिली के पास संपत्ति है, लेकिन प्रीति जिंटा का भी नाम इसमें शुमार बताया गया है। शाहरुख खान भी है जिनके पास करोड़ों करोड़ों की संपत्ति है। आप जानते ही हैं हज़ारों करोड़ की संपत्ति है, लेकिन प्रीति जिंटा ने नेस्वाडिया के साथ जब हाथ मिलाया था तब से उनकी संपत्ति काफ़ी बड़ी थी। बताया जाता है कि प्रीति जिंटा के बिजनेस की बात की जाए तो PZMZ मीडिया नाम से प्रोडक्शन कंपनी प्रीति जिंटा चलाती हैं, जिसका फाउंडर भी वही है। कोऑनर है वो इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट टीम पंजाब किंग्स की साल 2008 से, और साउथ अफ्रीकन T20 ग्लोबल लीग क्रिकेट टीम स्टेलनबॉश किंग्स सिंस 2017 की भी ऑनर प्रीति जिंटा ही है, जिसकी वजह से उनके पास संपत्ति की कमी नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सच है कि प्रीति जिंटा ने अपने बच्चों के लिए इतनी बड़ी संपत्ति इकट्ठा की है। बड़े तादाद में प्रीति जिंटा की जो ये संपत्ति है अपने बच्चों के लिए उन्होंने की है। मेहनत के बलबूते, टैलेंट के बलबूते, ब्रांड्स एंडोर्स करते हुए, फिल्में कर, एक्टिंग कर, एडवर्टाइजमेंट कर, और अपने कंपनी के ज़रिए प्रीति ने बड़ी तादाद में संपत्ति जो है बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर प्लानिंग के लिए पहले से ही सिक्योर कर रखा है। आज अब वक्त हो गया है यहीं पर आपसे विदा लेने का। बॉलीवुड की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।